आगामी नगर परिषद चुनाव को लेकर बदरवास कांग्रेस कमेटी ने 5 प्रत्याशियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूची जारी की। इसमें वार्ड क्रमांक 1 से मीना उमेश गुप्ता, वार्ड क्रमांक 2 से उषा नरेंद्र आर्य, वार्ड क्रमांक 8 से नरेंद्र, वार्ड क्रमांक 14 से राम सखी बद्री रजक, वार्ड क्रमांक 12 से संजय बारागी। इस तरह बदरवास कांग्रेस कमेटी ने आज 5 प्रत्याशियों की सूची जारी की और बताया कि बदरवास नगर परिषद पर पिछले 25 साल से कांग्रेस का ये हब बनता जा रहा है और बरकरार रहेगा। ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि नेताओं के चेंज होने से नगर परिषद से कांग्रेस का कब्जा नहीं हटेगा। वोटर भी अब कांग्रेस को पसंद करते हैं, इसलिए बदरवास नगर परिषद पर लगातार कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहेगा। कांग्रेस विकास को लेकर वोट मांगेगी और इस बार जो नगर परिषद अध्यक्ष रहेगा वो ब्लॉक में शिक्षा, साफ सफाई, पानी, इस तरह की कई योजनाओं का विकास लाभ दिलाएगा। इस सभा में मुख्य रूप से अर्जुन सिंह एकलौदिया, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी शिवपुरी बदरवास, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार सिंह यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र कुमार आर्य, बदरवास अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष कुंदन लाल राधे, पूर्व पार्षद बद्री रजक, गोपीलाल जाटव, अल्केश केवट, नितेश रघुवंशी के साथ तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। निकाय चुनावों को लेकर बदरवास में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज कितने उम्मीदवारों की घोषणा की गई? आज हमने 5 वार्डों की अपनी सूची जारी कर दी है और जिसमें हमारे सक्रिय सदस्य को प्राथमिकता दी है और शेष जो प्रत्याशियों की सूची हम जल्दी से जल्दी करेंगे, उनका मंथन जारी है अभी। अच्छा, ये बदरवास नगर परिषद एक ही परिवार का जनक कब्जा काबिज है, उसको उस कब्जे से हटाने के लिए आगामी कांग्रेस की क्या कार्य योजना होगी? कांग्रेस पार्टी इस निकाय चुनाव में विकास के नाम पर वोट मांगेगी, साथ ही साथ सफाई का भी बहुत बड़ा अभाव है इस शहर में और नगर पंचायत जब से बनी हुई है तो ऐसा लगता है कि यह नगर पंचायत दिखती नहीं है। वास्तव में हमारे अड़ोस पड़ोस में जहाँ आप कोलारा सागर और कई जगह नगर पंचायतों में जाकर देखिए, वहाँ एहसास होता है कि यह नगर पंचायत है, यहाँ तो पुराना ग्राम पंचायत जैसा रवैया चल गया है। शेष उम्मीदवारों की घोषणा कब तक हो जाएगी? प्रथम सूची हमने अभी 5 उम्मीदवारों की सूची जारी की है जिसमें 3 हमने महिलाओं को प्राथमिकता दी है, शेष 2 पुरुषों के लिए दिया है और सेकेंड सूची हम लगभग 14-15 जून को कर देंगे और अंतिम सूची हमारे 14 तक करने का पूरा लक्ष्य था। अच्छा, बदरवास नगर परिषद पर विगत 30 वर्षों से कांग्रेस का एक कब्जा काबिज था, क्या वह बरकरार रहेगा? या बदरवास नगर पंचायत में पिछले 30 वर्षों से कब्जा था यह बात सत्ता है, लेकिन कांग्रेस का कब्जा था, किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा नहीं माना जाए और कांग्रेस का वोट बैंक आज भी कांग्रेस के पास है, सिर्फ नेताओं के जाने से मतदाता नहीं जाते।